तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके घर पे टीवी लगा हुआ है और आपका यही सिचुएशन आ रहा है, यानी दोस्तों जो टीवी है उसके अंदर ऑडियो तो चलता है लेकिन जो स्क्रीन है वो एकदम ब्लैक हो चुकी है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर जो आप आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए दोस्तों आप इसकी आवाज़ सुनिए पहले। दो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चैनल है वो टोटल चल रहे हैं लेकिन डीडी फ्री डिश जो यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन हमारी जो स्क्रीन है एलईडी की या फिर टीवी की ये नहीं चल रही है, यानी आवाज़ आ रही है बिल्कुल भी, वॉइस आ रही है क्लियर लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर आखिर तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने डीडी फ्री डिश के रिमोट से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डीडी फ्री डिश का रिमोट है, आपका कोई भी हो, चाहे एयरटेल का हो, डिश टीवी का हो, वीडियोकॉन, डीटीएच का हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप उसको प्रयोग में ना लाइए। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपनी टीवी का रिमोट यानी एलईडी का रिमोट हाथ में ले लेना। दोस्तों आपको क्या करना होगा, मेनू बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों मेनू बटन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेनू बटन है, इसको आपको प्रेस कर देना है। मैं यहाँ पे मेनू बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने मेनू बटन को प्रेस किया, अब देखिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए दोस्तों आपको जो पिक्चर दिख रहा है दोस्तों, आपको पिक्चर में ये आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम पिक्चर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉन्ट्रास्ट है दोस्तों, आपको यहाँ पे जीरो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके डीडी फ्री डिश लगा हुआ है या फिर कोई भी डिश लगा हुआ है लेकिन आपको अपने एलईडी के अंदर पिक्चर मोड के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट देखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉन्ट्रास्ट है हमारा यहाँ पे जीरो हो चुका है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जैसे ही बढ़ाया तो हमारा जो कलर है जो ब्लैक दिख रहा था वो यहाँ पे सोलो हो चुका है। अब देखिए दोस्तों हम किसी भी चैनल को लगा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो एकदम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जो प्रॉब्लम थी दोस्तों ब्लैक की वो यहाँ पे एक मिनट में सोल्व हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने डीडी फ्री डिश के जो भी सेटअप बॉक्स कनेक्शन है, जो भी डिश कनेक्शन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है ब्लैक स्क्रीन की, तो दोस्तों आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।